चलो खत्म हो गए लोग, तो जल्दी से इसको बात कर लेता। अरे रे 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 भाई, कमरे में ही सिपाही है। ओ ओ भाई बचाओ, जैसे तैसे इसने देखा नहीं मेरे को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और असैसिन्स क्रीड ब्रदर्स के गेम प्ले सीरीज वीडियो में। और जहाँ पर मैं पिछले वीडियो में छोड़ा था, वही सा क्या कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को ओस्मान के पास जाना था, जो कि हमारा ही एक लोंडा है, अलेक्जेंडर का कोई है जान पहचान का, जो असैसिन्स के लिए काम करता है, स्पाय है वो एक, जो टेम्पलर्स सैनिक के बीच में रह के इनकी जासूसी करता है टेम्पलर्स की। तो उससे पता नहीं क्या काम है, उसी के पास जाएंगे तो पता चलेगा क्या काम है उससे हमको शायद से। ओके दरवाजे के उस तरह है क्या ये? हाँ शायद से दूसरे दूसरे शहर में है ये, मतलब गेट के उस पार, मार्केट प्लेस के बाहर में है इसका लगता है एरिया, जो भी है वो क्या नाम था, ओस्मान सिटी गेट पर तो पहुंच गया शायद से उसी शहर में। हाँ छत छत से चलता हूँ, नीचे में सैनिक मैंने घूम रहे सक वक्त। अरे रे देख लिया उसने। अरे पाजी छोड़ दो, चले जाओ यार चले जाओ, हम तो मासूम आदमी है भाई, मासूम आदमी है भाई, देख लो हाथ जोड़ रहे, हाथ जोड़ रहे। सर जी हम पे शक मत करना, हम पे शक मत करना सर जी। चलो वो तो अपना रास्ता नाप ले, मैं अभी अपना रास्ता नाप लेता, उधर से नहीं जाऊंगा उधर, पता नहीं सैनिक सब किसी की पिटाई कर रहे हैं, साले सब मेरे पे भी चढ़ जाएंगे उधर से गया तो। इनके सर के ऊपर से ही जाना ठीक रहेगा मेरे को। हाय हाय कितनी बेरहमी से मार रहे हैं नीचे वाले को, इसकी मदद भी नहीं कर सकता, मेरे को मिशन है ना अपना, इसकी मदद करने के फालतू का मिशन फेल हो जाएगा और वो लोंडे लोग आ जाएंगे इनके सैनिक से मारने के लिए। तो किधर है ये ओस्मान भाई साहब अपने? टेम्पलर कोई नहीं मिला मेरे को यहाँ पर एक, इससे मैं आगे अपने अंदर अपग्रेड ला सकता हूँ, अपग्रेड कर सकता हूँ अपने को। तो नीचे में से वो ओस्मान तो नीचे में, इसके पहले से सैनिक सिपाहियों को ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनके सामने तो मैं बात कर नहीं सकता, उनको शक हो जाएगा। फिर पहले इसको ठिकाने लगा दो जो भी है। हाँ दिक्कत हो रही है, एम नहीं लग रहा इन पे अच्छे से। ये तो एक अंदर आ गया है, पहले बाहर वाले को लेटाता फिर अंदर वाले को लेटाऊंगा। पाजी एम लग जाइए बस। ओके चलो भाई साहब टाटा। अरे लग जा उसको, अरे चाकू बर्बाद हो गया मेरा, चलो मर गया, आराम से जाता हुआ बस। अरे एक और आ रहा है यार, उसको लाश दिख गई होगी, पक्का दिख गई होगी उसको लाश अब। अरे नहीं अंदर मत आ जाइए भाई, तू ऊपर चढ़ जाता हूँ, ऊपर नहीं देखने का। अरे देख लिया यार इसने, नहीं नहीं मिशन फेल हो गया फालतू का मेरा। चलो वापस चलता हूँ, इस बार भूसे के ढेर में तो घुसने नहीं वाला मैं, उस बार ऊपर कूद रहा था भूसे के ढेर में घुस गया मेरा लोंडा। नीचे में पूरी तीन चार पता नहीं कितने सैंटे सैनिक घूम रहे नीचे का, मेरे नीचे में पहले तो। ओके किसको लगाओ ठिकाने, इसी को लगाता हूँ तो उधर मुड़ा हुआ उसको दिखा नहीं मैं। चलो बहुत बढ़िया है। ओके मैं काम करता हूँ, जब तक ये आता उतने में बात क्यों नहीं करके देख लेता, या तो मार ही देता फिर से। चलो ख़त्म हो गए ये लोग, तो जल्दी से इसको बात कर लेता। अरे रे 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 भाई, कमरे में ही सिपाही है। ओ भाई बचाओ, जैसे तैसे इसने देखा नहीं मेरे को। उसको शक हो गया उसको, बाहर में ही देख रहा किसी को। जल्दी से इससे बात कर लेता हूँ मैं। Greetings, Osman. Alexander sends his regards and wishes your grandmother a joyous birthday. Ah,
the dear lady. May she rest in peace. Now, how may I help you, my friend? Can you tell me why the Templars purchased Cyprus? Was it to set up another exchequer? I don't rank high enough to know for certain, but I have heard talk of an archive of some kind. An archive? Interesting. And who is the ranking Templar in Limassol? A knight named Frederick the Red. He trained soldiers in Limassol Castle. A real brute. With the castle guard dead, what would it take to get me inside? Assuming I am appointed to his position, I could find an excuse to reduce the castle watch for a short time. Will that work? I'll make it work. ओके तो इससे बात तो कर ले, मेरे को समझ भी आ गया क्या हुआ, लेकिन वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एरिया से निकल जाऊं मैं। बाहर में तीन चार लाशें पड़ी हुई है और मेरे पे शक होने वाला है जैसे निकलूंगा, उधर चढ़ने का रास्ता भी नहीं है। चाकू मेरे पड़े हुए हैं, अरे सिपाहियों का शक हो गया मेरे पे। अरे भाई शक तो नहीं हुआ ना मेरे पे, चलो हो भी गया तो क्या ही कर लोगे यार, शक बक मत करना मेरे पे भाई, ये तो यही अंजाम होगा तुम्हारा। जल्दी से अपने वो अलेक्जेंडर भाई साहब के पास पहुंचता हूँ। ओके तो मैं आ गया अपने यहाँ पर अलेक्जेंडर भाई साहब के पास। Osman is making arrangements as we speak. Excellent. Now what? We give him some time. He also told me about the Templar archive. Have you heard of such a thing? Of course. That's where we keep our undergarments. Cyprus would be a good location to safeguard both knowledge and weapons. With the right strategy, it's an easy island to defend. Ah, if only our foolish emperor had possessed such foresight. King Richard made short work of him. I'll be back soon. So, assassinate Frederick the Red in his infiltrate Limassol Castle. ओके तो ओस्मन जो था उससे बात करके पता चला कि जो फ्रेडरिक द रेड है वो टेम्पलर्स का कोई आदमी और वो टेम्पलर सोल्जर को ट्रेन कर रहा है, उनको मजबूत बना रहा है टेम्पलर सोल्जर को, जिससे वो हमको भारी पड़ने वाले बाद में टेम्पलर सोल्जर, तो उसी को रोकना है और ये रुकेगा फ्रेडरिक द रेड की हत्या करके, और उसकी हत्या करने के लिए मुझे उसके कैस्टल में घुसना पड़ेगा। और जो ओस्मन है अपना लोंडा, ओस्मन जो था अभी जिससे मिला नहीं मैं, वो मदद करेगा हमारी घुसने में। वो जो टेम्पलर सोल्जर होते हैं जो कैस्टल पर पहरादारी करते हैं, उनको कम करवा देगा जिससे हमें घुसने में आसानी हो जाएगी। तो ये रहा Limassol कैस्टल, यहाँ पर देखो पहरादारी कर रहे हैं। पहले डायरेक्टली जाके देखता हूँ मिलता है कि नहीं एंट्रेंस मेरे को। ओके इसके हाव भाव देख के तो लगता नहीं है मेरे को घुसने देगा इज्जत से, मेरे को खुदा फांदी करके ही घुसना पड़ेगा डायरेक्टली तो मैं जा नहीं सकता।